भारतीय सेना के जवानों ने कुपवाड़ा में सीमावर्ती जिले में भारी बर्फबारी के बीच स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं से पीड़ित एक गर्भवती महिला को जोखिम भरा आपातकालीन चिकित्सा निकासी का संचालन किया। 10 फरवरी को सुबह 9 बजे कालारूस सीओबी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कालारूस से एक संकटकालीन कॉल प्राप्त हुई, जिसमें पेट में दर्द, खून की कमी और जिगर की क्षति के साथ एक गर्भवती महिला के लिए तत्काल चिकित्सा निकासी का अनुरोध किया गया था। क्षेत्र में भारी बर्फबारी के कारण सिविल एम्बुलेंस का सड़क पर चलना असंभव हो गया, जिससे स्थिति और भी बदतर हो गई। हाँ साहब, हमारा नाम है मोहम्मद इसराइल नाम है। सुबह जब आपके पेशेंट को जब जो बीमार हुई पेशेंट आपको, तो आपने क्या किया सबसे पहले? सबसे पहले हमें बीमार ने बोला मेरे को बहुत तकलीफ हो गया है, लिहाजा सर लगभग 5 बजे से हमें घर से निकले। सुबह पाँच बजे उसके बाद क्या हुआ? सुबह 5 बजे हमने डांची पर कंधे पर उठा कर लाया वहाँ कालारूस में। इलाके से आपने डांची? हमने नागसरी से, नागसरी बड़ी बैग उसको बोलते हैं, वहाँ से लेकर हम कालारूस में जब पहुंचे हैं तो वहाँ 3 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, लेकिन उन्होंने बोला ये हमारी गाड़ी नहीं चल सकेगी कुपवाड़ा में, अब हम रफ्ता कर से फौज से कोई नंबर लिया, साहब का नंबर लिया तो फौरी तौर फौज आर्मी पहुंचाई, गाड़ी लेकर पहुंचाया तो हम कुपवाड़ा में यहाँ उन्होंने पहुंचाया, लेकिन हमारा कोई भी सूत्रा वहाँ नहीं है नागसरी में। अगर आपको लगता है अगर फौज आपको गाड़ी नहीं दे पाती तो आपका पेशेंट रास्ते में मर जाता सर। हमको 2 दिन भी वो गाड़ी नहीं मिलती है तो 1-2 घंटा की तो बात ही नहीं है।